अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम फॉर लूप के हवाले से पढ़ेंगे। पहले भी हम फॉर लूप के हवाले से पढ़ चुके हैं, लेकिन यह एक ऐसा कुछ मुश्किल टॉपिक है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक और डेमो देते हैं आपको फॉर लूप का, जिसमें हम इवन और ऑड नंबर्स फ्रेंड 1 से लेकर 10 तक के जो इवन नंबर्स आते हैं और ऑड नंबर्स आते हैं उनको हम प्रिंट करवाएंगे इस तरीके से। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर आई के नाम से फॉर। अब ये फॉर लूप के अंदर पहले कंडीशन रखूंगा, इनिशियलाइजेशन फॉर आई इज इक्वल टू 1, फॉर आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। अब हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे कि 10 तक तो प्रिंट हो गए नंबर्स, लेकिन उसमें इवन और ऑड नंबर्स हम कैसे निकालें। तो उसके लिए ये है कि बहना हम रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है तो वो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो फिर वो ऑड नंबर है। ठीक है, इस तरह करते हैं, हम पहले इवन नंबर्स प्रिंट करते हैं, इफ कंडीशन लगाए, इफ आई और रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। अगर आई डिवाइडेड बाई 2 का जवाब 0 आता है तो ठीक है, तो प्रिंट एफ करें ये सिलेक्शन न्यू लाइन पे जाने के लिए। अब हम उसको प्रिंट करेंगे परसेंट डी और डैश में आई। अब ये इवन नंबर्स प्रिंट होंगे। इसमें कंडीशन पहले तो इनिशियलाइजेशन होगी, 1 के साथ इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन 10 है तो फिर उसके बाद 1 रिमाइंडर 2 कितना, 1 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर कितना आया, तो 1 ही आएगा, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा। और फिर दोबारा इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन 10 यस, फिर इफ़ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 यस, कंडीशन ट्रू होगी तो 2 प्रिंट होगा। इसी तरह 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा। लेट्स सी, इसको सेव करें, इसको कंपाइल करें, कंपाइल हो रहा है, अब इसको आप रन करें। ये देखें 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6 ये इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। अब हमने ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। ऑड नंबर्स के लिए कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो उसके लिए नॉट इक्वल टू रखेंगे कि अगर आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर वो ऑड नंबर्स आएंगे। अब इधर प्रिंट होंगे ऑड नंबर्स, इसको फिर कंपाइल करें। ये देखें 1, 3, 5, 7, 9। अब इसका पहले तो जैसे ही कंट्रोल इधर आएगा इफ में तो चेक करेगा कि 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या रिमाइंडर 0 के बराबर, अगर नहीं है तो, रिमाइंडर अगर 0 के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी। 1 डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो इसलिए जो है वो आपका 1 प्रिंट होगा। उसके बाद 2 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 2 पूछ रहा है कि 2 डिवाइडेड बाई टू रिमाइंडर 0 अगर ना हो तो, लेकिन 2 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर 0 आता है इसलिए ये कंडीशन पास हो गई। फिर 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो, 3 डिवाइडेड बाई 2 का रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी और 3 प्रिंट होगा। इसलिए के 1 से लेके 10 तक ऑड नंबर प्रिंट होंगे। ठीक है,
ये आपका प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इवन ऑड नंबर्स किस तरह प्रिंट करते हैं, लूप